हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 6:30। आज हम जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज हमें खेत में जाना है, क्योंकि आज हमारा खेत में धान का रुआई होगा, तो इसलिए बाबूजी तो जल्दी जल्दी निकल गए और मैं थोड़ा ब्रश ब्रश करके रेडी हो जाता हूँ और चलते हैं खेत में धान की रुआई के लिए। अभी खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए और बाबूजी सुबह सुबह निकल गए खेत के लिए। आज धान का रुआई होगा और चलिए चलते हैं खेत में। हमारा घर से जो हमारा खेत है वो 1 किलोमीटर के आसपास है। वो खेत से खेत का अंदर यहाँ पे ज़्यादा दूरी पे है हमारा खेत, तो चलिए अभी चलते हैं। आज से शुरू हुई खेत का काम। इस साइड में कुछ कुछ लोग यहाँ पे काम स्टार्ट कर चुके हैं। ज़्यादा काम नहीं हुआ यहाँ इस साइड में, ये देखिए काम नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि धान का पौधा अभी छोटा छोटा हुआ है, थोड़ा बड़ा होने पर लोग रोते हैं। और धान का रुआई जो हमारा थोड़ा थोड़ा मतलब 6-7 इंच का हो गया हमारा धान, इसीलिए आज रुआई होगा। बाबूजी और मैं दोनों काम करेंगे। आज कोई लोग भी नहीं मिले हमें काम करने के लिए खेत में, बस बाबूजी और मैं दोनों काम करेंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है हमारा खेत, यहाँ से 2-4 खेत के बाद हमारा खेत है। चलिए निकलते हैं जल्दी जल्दी, अभी तो टाइम हो रहा है 8:30। इसलिए आज भी बहुत ज़ोर से धूप आई है, धूप में ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे शायद, देखते हैं। वहाँ पे छाव नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा काम हो पाएगा कि नहीं देखते हैं। चलिए फिर, बहुत जोर से धूप आई है, कुछ कुछ लोग तो रुआई खत्म कर चुके हैं यहाँ पे, ये दिखाता हूँ आप लोगों। कुछ कुछ लोग तो रुआई भी शुरू कर दिए। ये यहाँ पे देखिए बाबूजी काम कर रहे हैं धान रुआई, मैं भी करूँगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगा बस यहाँ तक। चलिए चलते हैं। ये गुट्टे वाला कैसा होता है? आलू से गुच्छा वाला बनी मारी बनाए। ये तो हमें लीजिए। मैं थोड़ा थक चुका हूँ, बस ज़्यादा धूप आई है इसलिए मैंने थोड़ा छाव में
छाव तो नहीं है, वो ताड़ के पेड़ के नीचे मैं थोड़ा बैठा हूँ और पानी पी रहा हूँ बैठ के। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, देखिए बहुत सारा चील एकदम ऊपर उड़ रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोग। ये क्या है, क्यों उड़ रहे हैं पता नहीं, उनका खुराक के लिए उड़ रहे होंगे शायद। इस सीज़न में वो चील को ज़्यादा खाना मिलता है खेत में, मछली गेंडा ये सब बहुत सारा चीज़ मिलती है, इसलिए ये लोग ये सब उड़ रहे हैं चारा के लिए। ये देखिए कितने सारे उड़ रहे हैं, ये शायद ये आसपास ही उतरेंगे। मैं यहाँ ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये देखिए बाबूजी वहाँ पर काम कर रहे हैं, बाबूजी उस साइड काम कर रहे हैं, देखिए कोने में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा आ गया पेड़ के नीचे। फाइनली खेत का काम खत्म हो चुका है, बाबूजी जितना धान उठाए थे खेत से सारे हमने रुआई कर दी और अब चलते हैं घर के लिए। टाइम हो रहा है 11:30, बहुत जोर धूप आई है, एकदम सांस रुकता जा रहा है। चलिए जल्दी जल्दी मैं निकल जाता हूँ घर के लिए, पानी भी ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए एकदम एकदम पानी भी ख़त्म, और बहुत जोर से प्यास भी लगी है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, चलिए थोड़ा पानी पीते हैं, जोर से प्यास लगी है। भाभी जी क्या कर रहे हो, थोड़ा पानी तो दे दो। ये देखिए भाभी जी पूजा कर रहे हैं, चलिए अकेले ले आते हैं पानी, खुद लेके पीना पड़ेगा। चलिए पहले फ्रिज से पानी निकालते हैं और पीते हैं। एक बोतल पानी है। फिलहाल खेत से आ चुके हैं, चलिए जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और लॉन्च करते हैं, देखते हैं लॉन्च में क्या बनी है। और आज जो लॉन्च में बनी है राइस, ये डालमा, ये अंडा आमलेट, ये पत्ता गोभी, चलिए खाते हैं। Wow.
फाइनली लॉन्च तक कर चुके हैं। बस आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना आपका हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।